सदा आ रहा है। अलग अलग परंपराओं के नाम पर ना जाने क्या क्या चलता रहा है। कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना, तो कोई कहता है मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, कोई कहता है बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोना, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे ही भूत प्रेत को लेकर अनेक अंधविश्वास समाज में प्रचलित हैं। हरियाणा में एक शहर है खासी, वहाँ भी ऐसा ही एक अंधविश्वास प्रसिद्ध हो गया था, और उसको देखकर आर्य समाजी क्या शांत रहते? नहीं, कदापि नहीं। अगर ये देखकर भी आर्य समाजी शांत रहे तो फिर कैसे आर्य समाजी? ऐसे ही थे ऋषि दयानंद के सच्चे शिष्य लाला राम किशन आर्य। इन्होंने स्वामी दयानंद के दर्शन किए थे। इनकी एक सच्ची घटना कि कैसे दूर किया अंधविश्वास। लाला जी सड़क से गुजर कर कहीं जा रहे थे, तो देखा कि चौक पर कोने में कुछ लोग खाने का स्वादिष्ट सामान रख रख कर जा रहे हैं। वे वहां पहुंचते हैं। अरे भाई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे लाला जी, देख नहीं रहे क्या? घर से खीर पूरी हलवा बना के चौक पे ला के धर रखी। और के पर क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन भरा सड़क पर क्यों रख रहे हैं आप? लाला जी, आप नहीं जानते, हमारे घर में ना एक साया था, बीमारी जावे ही ना, बहुत इलाज करवा लिए, कोई असर ना होया। फिर हमने एक ओझा से बात की, ओझा आया, उनने कही अथारे परिवार पे भूत चढ़ रखा है, उसे उतारना जरूरी है। हमने उससे पूछा कि भूत को कर उतरेगा, तो बोले ऐसा करो, आप अपने घर पे सुंदर पकवान तैयार कर दो और अपने बालकों का और परिवार का हाथ लगवा के उसे एक बड़े चौराहे पे धरवा दो, जो उस खाने को खावेगा भूत थारे पे से उतर के उस पे चल जावे। ऐसा कहा उसने? तो क्या इसीलिए आप लोग अपने स्वादिष्ट पकवान यहाँ लाकर सड़क पर रखते हैं? हाँ लाला जी, और देखो भाई, वैसे तो भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, फिर भी यदि तुम मानते हो तो, पर ये तो बताओ कि ये कैसे होगा कि तुम्हारा भूत उतर कर इस भोजन को खाने वाले पर चढ़ जाए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अब लाला जी घड़ी बहस करने का मैं आती हूँ। अब ओझा ने कहा तो होता ही होगा, और तुम भी घड़ी बहस ना करो, अपना काम करो, तुम भी हमें भी अपना काम कर दो। देखो भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खाना खाकर आपका पाप किसी और पर चढ़ जाए। लाला जी, हमें लगता है तुम आर्य समाजी हो, क्योंकि ऐसी बहस तो वही करते हैं, उन्हें ना तो कोई भूत सताता है और ना कोई प्रेत। अगर लाला जी को लगता है कि इस खाने को खाने से भूत खाने वाले पर नहीं चढ़ेगा, तो फिर ये खुद खाकर दिखाए और अपने बच्चे को खिलाकर दिखाए। ये लाला जी, क्या होगा इस हिंदू जाति का जिसका पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचता है, तो भला अनपढ़ व्यक्ति की क्या बात करें? ऐसे तो ये जाति अंधविश्वास के दलदल में और फंसती चली जाएगी। कभी विज्ञान को दुनिया में फैलाने वाली इस आर्य जाति की ये दुर्दशा। लाला जी, क्या सोचने लगे? बोल, तैयार हो खाने के लिए? डर गए ना? डर गए कि भूत हमारे ऊपर न चढ़ जाए? लाला जी, बोलना अलग बात है। अरे बोलो ना, बोलो ना लाला जी, क्या हुआ? अब इन्हें बच्चों का डर सता रहा है कि इन्होंने खा लिया है, तो बच्चों का क्या होगा? भाई ऐसा नहीं, हम ठहरे महर्षि दयानंद के सिवाय ना डरते हैं और ना डरेंगे, और उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि हम इस अंधविश्वास में नहीं बैठे। और रही बात डर की, तो कल सुबह यही आ जाइएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या ठीक। पर मेरा कहना आपसे यही है कि ये एक अंधविश्वास है, इसे छोड़कर कर्म फल पर ध्यान दो, कि आप जो कर्म करते हैं वही आपका पीछा करता है। भूत मतलब जो पीछे छूट गया, आप सोचते हैं कि जो पीछे छूट गया वो अपने ही आएगा,
वह भूतकाल में किए कर्मों का साया जो हमें डराता है, तो उसे ही आप भूत चढ़ना कहते हैं। वह इस भोजन को सड़क पर रख कर नहीं जाने वाला, उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने अपने भूतकाल में कौन से ऐसे कर्म किए थे जो मुझे अब सता रहे। खैर चलो, कल सुबह में पूरे परिवार को लेकर आ रहे हैं। लगता है आज तो बहुत सारे भूत इनके परिवार पर चढ़ने वाले हैं। नमस्ते लाला जी। नमस्ते भाई लोग। लाला जी, आप तो पूरे परिवार को ही लेकर आ गए। आप भी लगता है अपने कष्ट दूर करने आए हैं। भाई मैं तो आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ कि अपने घरों के स्वादिष्ट भोजन से किसी गरीब को रोटी खिलाए, यूं सड़कों पर रखकर इस अन्न का अपमान मत करो। साथ ही अपने मन से ये निकाल दो कि इस तरह से आपका दुख किसी और के घर चला जाएगा। ऐसा नहीं हो, ना तो ऐसा कभी हुआ है और ना ही होगा। अगर ऐसा होता तो कभी भी किसी घर में कोई दुख आता ही नहीं, सभी ये काम कर लिया करते। मुझे ऐसा लगा है ये आर्य समाज जी सारे के सारे भैंस ही करें। राव लालदा जी, यहाँ सामान धरना है तो धरो, नहीं धरना तो ना धरो, ये फालतू का ज्ञान ना दो। आप नहीं डरते तो खा के दिखा दो इस भोजन को, घी है और पूरी भी, फिर देखते हैं आपकी हिम्मत है। अरे बोलो मत लाला जी, करके दिखाओ। आप चिंता ना करें, आज मैं इसी परीक्षा के लिए आया हूँ और सारे परिवार के बच्चों को भी साथ लाया हूँ। ये सब आपके सामने इसी भूत वाले भोजन को खाएंगे, देखते हैं हमारे ऊपर ये भूत चढ़ता है या नहीं। राव थम जाओ लाला जी, अरे अपना भी तो ये बालकों का तो ध्यान करो, अपने चक्कर में इन बालकों पे भी बड़ा चढ़ जाएगी समझे नहीं। आप चिंता ना करें, पर आप ये संकल्प ले कि यदि ये भूत हम पर और हमारे बच्चों पर नहीं चढ़ पाया तो फिर आप ये प्रथा छोड़ देंगे। बोलो तैयार हो? एक बार फिर सुन लो लाला जी, फिर मत कहना। देखिए आप लोग चिंता ना करें, हम महर्षि दयानंद के सिपाही हैं, आगे बढ़ने के बाद पीछे कभी नहीं हटते। लागे आर्य समाज जी भूत नीचे पकते, लाला जी घड़ी हिम्मत दिखा रहे हो है? भाई यही मान लो कि आर्य समाजियों पर भूत नहीं चिपकते, तो आओ भूत से बचना चाहते हो तो आर्य समाजी बन जाओ, आर्य समाज आपका स्वागत करता है। अरे भाई आप लोग भी खाकर देख लो। अरे 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 ओ प्रकाश, देख ले भाई, सोच ले, ये तो आर्य समाजी है इसलिए इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तू आर्य समाजी नहीं है, कहीं तेरे पर ना चढ़ जाए भूत। अरे मुझे किस बात की फिक्र है, है? जब लाला जी ने अपने बालकों की फिक्र ना करी तो मुझे किस बात की फिक्र। अरे एक बात सुन ले भाई, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ ना लाला जी सुन ले ध्यान से, तो मैं भी आर्य समाजी बन जाऊंगा। ला भाई ला, उठ जा। भाई मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने शहर से इस प्रथा को समाप्त करो और गरीबों को भोजन करवा कर पुण्य लाभ प्राप्त करो। भूत भूत कुछ नहीं होता, ये हमारा डर ही भूत है, इसलिए आज आप प्रण कर ले कि आप भोजन किसी हालत में भी नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है राज, हम भी आज से इस प्रथा को समाप्त करते हैं। अगर आज भी हो रहे अंधविश्वास और पाखंडों का
इसी तरह मुकाबला किया जाए तो ही समाज इससे बच सकता है। आओ इन अंधविश्वासों की जड़ें समाप्त करने में हम सब मिलकर काम करें। आओ हम सब समाज की कुरीतियां और अंधविश्वास से बचने के लिए आर्य समाज के साथ मिलकर काम करें। राही तू जाता किस ओर है, राही तू जाता किस ओर है, आर्य समाज इस ओर है, आर्य समाज इस ओर है, आगे जाता जाता किस ओर है, आर्य समाज इस ओर है। मंच के पीछे जहाँ बच्चे हैं हमारे, आर्य समाज महान है, तू है जिसम तो ये जान है, आर्य समाज महान है, तू है जिसम तो ये जान है, तू है बदन तो ये डोर है, तू है बदन तो ये चल रहा है अभी तुरंत। एक हो गया, दो और बाकी।